सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। एक कप नीम गर्म पानी, क्वार्टर कप ऑयल, एक अंडा, एक टीस्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। 3 कप मैदा, 2 टेबलस्पून पाउडर्ड मिल्क, 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और 1 टेबलस्पून यीस्ट। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालकर अच्छी तरह से आटे को गूंदना है। अब इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखें और अच्छी तरह गूंदें। उसके ऊपर ऑयल लगा लें और 10 मिनट तक इस आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदते रहें। जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतनी ज़्यादा डो अच्छी तैयार होगी। अब इसे 1 घंटा राइज होने के लिए रख दें। अब हम फिलिंग बनाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप प्याज डालेंगे और उनको सॉटे कर लेंगे। अब उसमें 1 कप चिकन जाएगा, 3 चॉप्ड चिलीज, नमक हसबे जायका, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद 1 कप मिल्क के अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। इससे ये मिक्सचर हमारा घना हो जाएगा। डो हमारी राइज हो चुकी है। अब हम डो को हाथों से इस तरह चिपटा करेंगे, क्योंकि डो जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए रोलिंग पिन से इसको हम बेल नहीं सकते, तो हाथों से ही इसको ऐसे चिपटा करना पड़ेगा। बिल्कुल आप लोगों ने नरम हाथ लगाने हैं, ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि ये फट सकती है। उसके बाद हम लोग फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इस तरह इसको बंद कर लीजिए। अब जब शेप्स तैयार हो जाएंगी तो 20 मिनट इसको सेट करने के लिए रख दें। अब आप लोग देख सकते हैं कि 20 मिनट हमारे हो गए हैं और ये सेट हो चुकी हैं। अब हम इनकी शेप्स बनाएंगे। शेप्स बनाने के बाद दोबारा इसको 20 मिनट के लिए सेट होने देना है। जितनी ज़्यादा सेट होगी उतनी ज़्यादा खूबसूरत बनेंगी। जब 20 मिनट हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर एग वॉश कर लेंगे।
अब हम चीज़ ऐड करेंगे। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग तेल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सब तैयार हो चुका है। अब हमें इसको ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 24 मिनट्स के लिए रखेंगे। और ये देखें, अब ये हमारे बेक हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने ही मज़ेदार, और इनका कलर आप इनका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि इस तरह ये गोल्डन हो जाने चाहिए। होप सो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।